दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रेवाड़ी में शनिवार को जय किसान आंदोलन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह अहलावत व प्रदेश प्रवक्ता संदीप राव व अन्य पदाधिकारियों ने रेवाड़ी कनीना अटेली मंडी का दौरा किया और रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव से मुलाकात कर रेवाड़ी मंडी के किसानों से बात कर समस्याएं जानी और मार्केट कमेटी अधिकारियों को बाजरा खरीद में देरी और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और उनके बात करने पर बाजरा उत्पादक क्षेत्रों में किसानों, किसान प्रतिनिधियों, आढ़तियों और मंडी अधिकारियों से बातचीत करने पर यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि 1 अक्टूबर तक किसानों का बाजरा गैर सरकारी खरीदा गया है। मंडी में सरकारी बोली के अभाव में व्यापारी बाजरे की खुली बोली लगाकर लगभग 1850 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहा है, जिससे किसानों को 400 से 450 प्रति क्विंटल नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कहा। पिछले 2017 से हमारा जो जय किसान आंदोलन है, जो किसानों की लड़ाई लड़ता है, वो हर साल दक्षिण हरियाणा की सभी मंडियों का दौरा करता है। उसी क्रम में अब हम बाजरे की जो आपसे आज से सरकार ने कहा कि हम परचेज करेंगे, उसकी वास्तविकता देखने के लिए हम आए और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तक तारीख तो ज़रूर बोली इन्होंने, इनके पास कोई सिस्टम नहीं आया, ना बाजरे का नॉर्म्स आया है। अधिकारियों से भी बात हो रही है, कोई कह रहा है कि हम खरीदेंगे, कोई जो खरीदने वाले एयरपोर्ट के मैनेजर हैं वो कहते हैं हमारे पास नॉर्म्स नहीं है, हम कैसे खरीदें। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है और उसमें सीधे सीधे किसान का घाटा हो रहा है। अभी तक इस मंडी में 1,26,800 क्विंटल 29 तारीख तक परचेज हो चुकी, जो प्राइवेट आदमियों ने खरीदी है, किसी को वो सभी के सभी 1750 से 1850 रुपये की है, किसान को लगभग 600 रुपये का, जब हमारा MSP 2350 है और हमें 1750 में बेच रहा है तो किसान को तो बहुत घाटा हो रहा है 600 रुपये पर क्विंटल। इसी प्रकार अगर पूरे हरियाणा का देखूँ मैं तो 4,00,000 क्विंटल बाजरा अभी तक प्राइवेटों ने खरीद लिया और उसमें 600 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 24 करोड़ रुपए का किसान को घाटा हो गया, 2.4 करोड़ का घाटा हो गया। तो ये सरकार किसान हितेशी नहीं है। हम हर साल इनको ये आगाह कर रहे हैं कि भाई किसानों के साथ यह न्याय ना किया जाए, लेकिन इनके ऐसा व्यवहार लगता है जैसे हम तो हिंदुस्तानी हैं और ये खरीदने वाले लोग विदेशी हैं, वही पुराना दौर है अंग्रेजों वाला, तो वो बड़े किताबी बात कर रहे हैं, दमनकारी है, किताबी बात करते हैं कि ये नॉर्म्स नहीं आया, ये नहीं आया, अभी तक आया नहीं, कैसे खरीदूँ, सेक्रेटरी साहब कह रहे आज से खरीदो, हमारे पास ऑर्डर हैं, एफर्ट जो खरीदने वाली एजेंसी है वो कहती है हमारे पास नॉर्म्स हैं, कैसे खरीदें हम। तो बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति, हमें बड़ा अफसोस है कि किसानों के साथ बहुत। अभी आप मार्केटिंग कमेटी पहुँचे, बात भी हुई है आपकी, क्या कुछ बात रही है आपके अंदर? हमारी यही बात हुई है कि मार्केटिंग कमेटी के अधिकारी तो कह रहे हैं आज से खरीद शुरू होगी, लेकिन जो खरीदने वाली एजेंसी है एफर्ट, वो कहती है मेरे पास नॉर्म्स अभी तक नहीं आए, मैं किस हिसाब से खरीदूँ। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आज से परचेज शुरू नहीं हुई। जिस तरीके से सरकार डिमांड करते हैं कि जो भी मंडी में जिस किसान ने भी अपना ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा में और वो यहाँ लेके आया, उस सभी बाजरा परचेज होना चाहिए, क्योंकि किसान का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से बारिश आ गई, किसान ने तो अपने हिस्से की मेहनत कर ली बोने से लेकर काटने तक, तो अब उसको इस बेस पे जो प्राकृतिक आपदा की वजह से उसको रेट कम नहीं मिलना चाहिए। अगर अभी सरकार नहीं मानती जय किसान आंदोलन आके क्या कुछ अपना है? हम पिछली बार भी एक बार हमने 57 दिन का धरना दिया, हम फिर विचार विमर्श करेंगे, हो सकता है कि हम मंडियों में यहाँ धरना शुरू कर दें। और हम तो ये कहते हैं एक एक दाना खरीदवा के ही रहेंगे, हमारा संगठन इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेगा कि किसान का एक एक दाना MSP पे खरीदा जाए। मेरा नाम संदीप राव है और मैं जय किसान आंदोलन में हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता हूँ। पिछले लगभग 15-20 दिन से हम लगातार देख रहे हैं ये हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ढोल पीटे जा रही है कि दाना दाना खरीदा जाएगा, फसल के पूरे की खरीद करेंगे, लेकिन आज आप वास्तविकता देखेंगे, जो कि हम पिछले कई सालों से मंडियों का दौरा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, आज भी किसान सुबह 7-8 बजे से मंडी में आके बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी ढेरी पे कोई गया भी नहीं है, ना खरीद शुरू हुई है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अभी तक कोई योजना भी नहीं बनाई है, सिर्फ दूर से ढोल पीटे जा रहे हैं कि दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन खरीदने की साफ मंशा दिखती है कि ये खरीदना नहीं चाहते। अब तक जैसे हमारे अध्यक्ष साहब बता रहे थे कि 1,26,600 क्विंटल ऑलरेडी बाजरा बिक चुका है, यानी कि अगर 500 रुपये पर क्विंटल का भी लगाएं तो लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा का तो नुकसान किसान भुगत चुका है। और ना ही पिछली बार की तरह भावांतर स्कीम का कोई अनाउंसमेंट थी, घोषणा थी, वो हुई है, ना ही इस बार सरकार की तरफ से कोई योजना है। तो साफ जाहिर है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। अब कह रहे हैं कि जी हमारे पास पॉलिसी नहीं है, किस नॉम में खरीदेंगे, क्या किस तरह से खरीदेंगे, बस कह दिया खरीदो खरीदो। अब अधिकारियों को आदेश देंगे, उसके बाद एक पूरा का पूरा जारी नोटिफिकेशन देंगे, तो ऐसा कुछ भी जाहिर किया ही नहीं है सरकार ने। ये वास्तविकता है रेवाड़ी मंडी की।